मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज है 1 नवंबर और आज हम शुरू कर रहे हैं अपना एक नया ब्लॉग, नई सीरीज जो कि है यूरोप की। सो अभी सुबह के 3:30 बजे हैं और मैं अभी अपने घर से निकला हूँ एयरपोर्ट के लिए। आज मेरा टर्किश एयरलाइन का फ्लाइट है और बहुत लंबी जर्नी है। अभी निकला हूँ तो एटलीस्ट 15-16 आवर्स के बाद मैं अपने डेस्टिनेशन पहुँचूँगा। और यूरोप में कौन सा डेस्टिनेशन है आज मेरा, वो मैं आपको अपडेट करूँगा पहुँचने के बाद। बट बिल्कुल नई सीरीज़ है, बहुत कम ब्लॉग्स हैं इस सीरीज़ के यूट्यूब पे। सो आपको मैं दिखाऊंगा गाइस यूरोप की एक बेहतरीन कंट्री। चलिए देखते हैं, स्टे ट्यून विद ट्रैवल विद अंकित। हेलो गाइस, सो अभी बज रहे हैं 6 बज गए हैं सुबह के और मेरा अभी बोर्डिंग स्टार्ट होगा 6:15 बजे कुछ। अभी जस्ट मैंने अपना इमिग्रेशन सिक्योरिटी क्रॉस की, उसके बाद लॉयल्टी लाउंज में, जो कि मेरे को मेरे HDFC क्रेडिट कार्ड पे था, वो लॉयल्टी लाउंज यूज़ किया मैंने। वहाँ ब्रेकफास्ट वगैरह किया, थोड़ा भूख लग रही थी। अब मैं जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ जो कि गेट नंबर 78 है और यहाँ से कुछ 10 से 15 मिनट के वॉक पर है। सो बस अब टर्किश एयरलाइंस फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, लेट्स सी कैसा होता है। बोर्डिंग पास लेते टाइम आज बहुत लंबा रश था, बहुत रश था यानी, और अनलकीली जब हमारा नंबर आया बोर्डिंग का तब उनका सर्वर डाउन हो गया तो 15 मिनट और वेट करना पड़ा। तो ओवरऑल मुझे बोर्डिंग में आज 40 मिनट्स लग गए जो कि फर्स्ट टाइम था। चलिए चलते हैं गाइस गेट की तरफ और बोर्ड करते हैं अपना टर्किश एयरलाइन ड्रीमलाइनर फ्लाइट, फिर आपको अपडेट करते हैं आगे का। टेक केयर। सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ अपने बोर्डिंग गेट पर जो कि है गेट नंबर 78 और अब यहाँ से आफ्टर 5 to 10 मिनट्स बोर्डिंग स्टार्ट होएगा। गेट बहुत क्राउडेड है क्योंकि हमारा फ्लाइट फुल है। सो और ये ड्रीमलाइनर प्लेन है तो बहुत कैपेसिटी है प्लेन का। सो गेट के पास जो सिटिंग एरिया है वो टोटली फुल है, देयर इज़ नो स्पेस। सो मैं जस्ट गेट के सामने बैठा हुआ हूँ अभी। चलिए गाइस मैं आपको अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। मेरा अभी जो पहला फ्लाइट है वो है मुंबई टू इस्तानबुल, जिसका ड्यूरेशन है 7.5 आवर्स। बहुत लंबा फ्लाइट है अभी तो, बस फ्लाइट में 1 घंटे बाद कुछ मील्स मिलेगा वो लेके, फिर मैं सोने का प्लान है, पूरा रेस्ट करेंगे। फिर इस्तानबुल पहुंच के वहाँ पे मेरा हॉल्ट है 4 hours 15 minutes का, जिसमें कि हमें कोई इमिग्रेशन एंड ऑल कुछ क्रॉस नहीं करना है, सीधा अपना इंटरनेशनल ट्रांसफ़र्स लेके अपने गेट पे जाना है। तो वहाँ भी बहुत टाइम है तो आपको एयरपोर्ट के दर्शन कराएंगे, इस्तानबुल कैसा है एयरपोर्ट, जितना मैं करा पाऊँगा। फिर उसके बाद मेरा फ़्लाइट है मेरा मेन डेस्टिनेशन का जो कि है बेल्जियम। तो हमारा इस्तानबुल टू ब्रसल्स का फ़्लाइट है जो कि सेम टर्किश एयरलाइंस का है बट इट्स नॉट ड्रीमलाइनर प्लेन। सो उसका ड्यूरेशन फिर 4 आवर्स के अप्रॉक्स आएगा। तो जर्नी अभी बहुत लंबी है गाइस अभी तो, और यहाँ और इंडिया के इंडिया एंड बेल्जियम के क्लाइमेट एंड टाइमिंग्स में बहुत डिफरेंस है, तो वो सब मैं आपको पहुँच के ही अपडेट करूँगा कि क्या डिफरेंस है, कैसा है। सो गाइस चलिए अभी चलते हैं फ्लाइट में और आपको दिखाते हैं हमारा ड्रीमलाइनर एयरबस ऑफ टर्किश एयरलाइंस।
हेलो गाइस, सो अभी मैं हूँ इस्तांबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और मुंबई से 7 आवर्स की लंबी जर्नी करके हम यहाँ पहुँचे हैं। टर्किश एयरलाइन का फ़्लाइट था, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, अच्छा जर्नी था, नो डाउट फ्लाइट वॉज़ वेरी गुड, बट लिटिल अनकम्फर्टेबल एज़ कम्पेयर टू अदर प्रीमियर एयरलाइंस लाइक एतिहाद, एमिरेट्स। वो कंपैरेटिवली ज़्यादा कंफर्टेबल हैं और मुझे इतना अच्छा नहीं लगा टर्किश में जितना बाकी एयरलाइंस पर कंफर्ट है। खाना तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा था, बिकॉज़ ये टर्किश फूड था, सो इंडियन टेस्ट के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं था। सो मैंने ब्रेकफास्ट एंड ऑल नहीं किया, मैंने सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक ली और एक सैंडविच लिया छोटा, दैट्स इट। तो बस दैट्स इट अबाउट द फ्लाइट। मूवी कलेक्शन भी हार्डली 2 इंडियन मूवीज़ थी जो मैंने आपको अभी दिखाया वीडियो में, दे डोंट हैव इंडियन मूवी कलेक्शन। सो एक ताशकंद फाइल्स थी और एक अपना ठग्स ऑफ हिंदुस्तान थी। ताशकंद फाइल्स तो मैं ऑलरेडी इतनी बार देख चुका हूँ, अभी फिलीपींस वाली जर्नी के टाइम भी देखी थी, सो मजबूरन एक आध घंटा वही देखी और फिर 1.5 घंटा नींद की। इस्तांबुल एयरपोर्ट, यस, बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है गाइस। बहुत एम्प्टी स्पेस रखा है इन्होंने, बहुत भरा भरा नहीं है। और यहाँ पे मौसम भी बहुत अच्छा है, बारिश हुई है तो पूरा गीला पड़ा है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। फ्लाइट्स खड़े हैं टर्किश एयरलाइंस के, और सिक्योरिटी इमिग्रेशन एक्स्ट्रा पे भी ज़्यादा क्राउड नहीं है क्योंकि काउंटर्स बहुत ज़्यादा हैं इनके, तो मैनेज्ड है, प्रॉपर्ली मैनेज्ड है एयरपोर्ट। अब यहाँ से कुछ 2.5-3 घंटे बाद मेरा अगले फ्लाइट का बोर्डिंग स्टार्ट होगा जो कि ब्रसल्स के लिए है, तो उसके लिए मुझे ट्रांसफ़र एरिया का सिक्योरिटी क्रॉस करना है और सिक्योरिटी पे वो लोग पूरा पानी ले लेंगे मेरा, जो मैंने बॉम्बे से और फ्लाइट से कलेक्ट किया था। सोचा था यहाँ पे जो टाइम मिलेगा उसमें यूज़ करूँगा, तो मैं अभी सिक्योरिटी के इस साइड बैठा हुआ हूँ, मैंने अभी सिक्योरिटी क्रॉस नहीं की है। अभी वाईफाई एयरपोर्ट से कनेक्ट किया है जो कि सिर्फ 60 मिनट्स का है। इस्तांबुल एयरपोर्ट का वाईफाई एक मोबाइल नंबर के OTP पे सिर्फ 60 मिनट्स का मिलता है फ्रेंड्स, सो ये आप ध्यान दीजिएगा अगर आप इस्तांबुल आ रहे हैं। तो मैंने अभी अपने एक नंबर पे कनेक्ट किया है जो 60 मिनट का है, वो ख़त्म होने के बाद पानी वानी यूज़ करके फ़्रेश होके फिर मैं उस साइड जाऊँगा, फिर उधर का आपको अपडेट देता हूँ। चलिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट, थैंक यू। सो गाइस, जैसा आप देख सकते हैं मेरा अभी पीछे जस्ट सिक्योरिटी चेक क्रॉस हुआ है। ये जो पीछे सिक्योरिटी चेक है ये है इंटरनेशनल ट्रांसफ़र्स का सिक्योरिटी चेक, और अब मैं आ गया हूँ एयरपोर्ट के डिपार्चर एरिया में, जहाँ से आफ्टर 1.5-2 घंटे बाद मेरा यानी फ़्लाइट है टर्किश एयरलाइंस का फॉर माय फाइनल डेस्टिनेशन ब्रसल्स। या उसके बाद मैं अपना बेल्जियम में एंटर हो जाऊँगा, फिर मेरा एक रोड जर्नी बचेगा जो 1-1.5 घंटे का एंट्रॉप के लिए है। सो अभी तो डेस्टिनेशन बहुत दूर है गाइस, इट्स लॉन्ग। और एक चीज़ और बता देता हूँ गाइस, यहाँ पे जो एयरपोर्ट स्टाफ है वो रूड है, हेल्पफुल नहीं है, बिल्कुल कोऑपरेटिव नहीं है। जो ये टर्किश पीपल हैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, सो सिक्योरिटी चेक एंड ऑल में आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपके पास ऐसा कोई लिक्विड या ऐसा कुछ आइटम ना हो, और प्रॉपरली उनको सपोर्ट कीजिएगा तो आपका ईजीली स्मूथली निकल जाएगा, बिकॉज़ ये लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते और बिल्कुल लिक्विड अलाउड नहीं करेंगे आपका। और यहाँ पे थोड़ा कम्युनिकेशन इशू भी है एयरपोर्ट पे, तो फिर भी ये लोग थोड़ा इंग्लिश बोलते हैं, बट आई डोंट थिंक, जिस हिसाब से मैंने देखा कि बाहर इंग्लिश का इतना ज़्यादा होगा माहौल, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश इतने अच्छे से नहीं आती है इन लोगों को। सो अब मैं अपना गेट फाइंड आउट करके गेट की तरफ जा रहा हूँ, आपको एयरपोर्ट दिखाता हूँ गाइस। और मेन बात, इस्तांबुल का टाइम इंडिया के टाइम से 2.5 घंटा पीछे है। यस गाइस, 2.5 घंटा पीछे है। अगर इंडिया में 12 बजे हैं सुबह के, तो यहाँ पे 9:30 बजे होंगे सुबह के, तो 2.5 आवर्स का टाइम डिफरेंस है। सो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कीजिएगा। चलिए आगे एयरपोर्ट का दर्शन कराते हैं।
सो गाइस अभी मैं आ गया हूँ इस्तानबुल एयरपोर्ट के मेन टर्मिनल पे जो कि डिपार्चर एरिया है और ये बेहद खूबसूरत है। अब आके लग रहा है कि हाँ एक बहुत खूबसूरत कंट्री में आए हैं इस्तानबुल। बहुत क्राउड है यहाँ पे। अभी जो मैं था वो तो मैं अराइवल और ट्रांसफ़र एरिया में था तो इतना क्राउड नहीं था, पर अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं क्या खूबसूरत एयरपोर्ट है। लाइटिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी ब्यूटीफुल गाइस, आप देखो मेरे पीछे। अभी मेरा जो बोर्डिंग गेट है वो 1:45 पे अनाउंस होएगा और अभी 20 मिनट पड़े हैं कुछ अप्रॉक्स, तो अभी मेरे को जस्ट चिल आउट ही मारना है एयरपोर्ट पे। जब 20 मिनट बाद गेट का आईडी आएगा उसके बाद मैं गेट की तरफ जाऊंगा, जो कि आई थिंक जिस हिसाब से एयरपोर्ट बड़ा है 15 से 20 मिनट का वॉक होगा। मेरा फ्लाइट है 3:35 PM का, तो उसमें बहुत टाइम है। 2:45 के आसपास बोर्डिंग स्टार्ट होएगा फ़्लाइट का। सो चलिए तब तक एयरपोर्ट घूमते हैं और आपको दिखाते हैं इस्तानबुल का खूबसूरत एयरपोर्ट। हाय गाइस, मेरा लुक देख के आप समझ ही गए होंगे कि मेरी यूरोप में एंट्री हो चुकी है, मैं यूरोप आ चुका हूँ। सो फाइनली आई वेलकम माई सेल्फ इन ब्रसल्स बेल्जियम। 4 घंटे की जर्नी के बाद इस्तानबुल से ब्रसल्स हम लैंड हो गए हैं गाइस। यहाँ के और इंडिया के टाइम में कुछ 5.5 घंटे का डिफरेंस है। यहाँ पे अभी शाम के 5:30 हो रहा है और इंडिया में शायद 10:30 या 11 हो रहा है। क्लाइमेट यहाँ पे कुछ 9 डिग्री के अप्रॉक्स है, अभी तो बहुत ठंडा है। मेरा इमिग्रेशन 5 मिनट में हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमारा बिजनेस वीज़ा है और डॉक्यूमेंटेशन पूरा है, तो सिर्फ 5 मिनट में इमिग्रेशन हो गया। अभी जस्ट थोड़ा फ्रेश अप होके अब अपना लगेज लेके हम निकलेंगे और यहाँ से अभी हमें जाना है एंटवर्प, जिसकी जर्नी है कुछ 75 मिनट्स अप्रॉक्स यहाँ से बाय रोड। सो अभी भी हमारी लंबी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी रास्ता बाकी है दोस्तों। जर्नी एवरेज थी, सीरियसली बोलूँ तो मुझे टर्किश एयरलाइन बिल्कुल पसंद नहीं आई। स्टाफ बहुत रूड है और खाना तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, तो मैंने दोनों फ्लाइट में ही नाके बराबर खाया है। सो इट्स बिलो एवरेज आई कैन से। फ्लाइट हमारा जो मुंबई टू इस्तानबुल था वो एयरबस अच्छा था, ड्रीम लाइनर, बट अभी वाला एयरबस छोटा था, इंडिगो टाइप, सो इट्स वेरी एवरेज। तो जर्नी पर मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूँगा। पहुँच गए फाइनली, बहुत टायर्ड हैं। अब यहाँ से एंटरप के लिए निकलेंगे, फिर एंटरप पहुँच के आपको बताता हूँ होटल क्या अपडेट है कैसा, फिर मैं आपको थोड़ा डिटेल में बात करता हूँ।
गाइस, हेयर इज माय रूम टूर। ये है मेरा छोटा सा प्यारा सा रूम जो कि अगले 2.5 दिन के लिए मेरा है। सो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, और आगे ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए और मेरे वीडियोस के अपडेट्स लेने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू गाइस।